सो व्हाट्सअप गाइज, यहाँ पे मैं हूँ आपका अपना अरबाज एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल का मोनेटाइज इनेबल कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको सबको बताया कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे का चैनल का रिव्यू में पड़ा हुआ है, रिव्यू प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से भी हमारा चैनल जो है मोनेटाइज के लिए इनेबल हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस करी और कब से मैं एक मतलब मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारा जो जनवरी में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन उसके बाद जो फरवरी में हमारा चैनल शायद रीयूज्ड कंटेंट की वजह से हमारा चैनल जो था वो मोनेटाइज डिजेबल कर दिया गया था। उसके बाद अभी मार्च 22 मार्च को हमने वापस से अप्लाई किया था। उसके बाद मुझे खबर मिली कि लॉकडाउन के चक्कर में सभी जो यूट्यूब की टीम है वो सब काम पे मतलब नहीं कर रही, काम नहीं कर रही है, मशीन लर्निंग सिस्टम काम कर रहा है वहाँ पे यूट्यूब पे। तो उसकी वजह से मेरा चैनल 22-23 दिन अंडर रिव्यू में पड़ा रहा, यानी कि आज जो डेट है 14 अप्रैल को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। सुबह के 3 बजे मेरे पास यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया था। हालांकि मेरे जो पड़ोस के जो दोस्त हैं, मेरे आसपास के जो दोस्त यूट्यूब चलाते हैं जिससे मेरी बात होती रहती है, उनका चैनल 11 अप्रैल को ही मोनेटाइज हो गया था। उन्होंने 22 अप्रैल को ही मेरे साथ एक दोस्त है, उन्होंने भी 11 अप्रैल को ही जो किया था रिव्यू के लिए डाला था यूट्यूब, लेकिन उनका सॉरी मतलब 22 मार्च को उन्होंने यूट्यूब में अप्लाई किया था रिव्यू के लिए, फिर 11 तारीख को उनका मेल आ गया था कंफर्म कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरा आज 14 अप्रैल को आया था, यानी कि 3 दिन बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या आपने अंडर रिव्यू में डालना चाहिए आपका चैनल या नहीं डालना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है, अभी जाओ और अभी जाके अप्लाई करो, यानी कि अभी के अभी वीडियो पॉज करो और पहले जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि पता नहीं कब यूट्यूब कंफर्म कर दे। लेकिन हाँ, ये तो पक्का है कि 30 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज ऑन कर देगा, लेकिन ये नहीं पहले जो 15 दिन में होता था अब वो उन्होंने डेट बढ़ा दिया, यानी कि 20 तारीख भी कर दी, 25 भी कर दी, मतलब 25 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। हो सकता है कि आपका ये चैनल मोनेटाइज 30 दिन में भी हो। तो वैसे आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। एंड मेरी बहुत लोगों ने मदद की है, टेक्निकल मतलब टेकीपीडिया है, टेक बफेट है, जैद अंसारी भाई नाम है उनका, आई टेक्निकल ज्ञान सीखे, बहुत सारे लोगों ने मेरी सपोर्ट किया है और मैं टेक्निकल इसरार भाई, कूल टेक भाई की वीडियो देखकर बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। सो गाइस, यही था इस वीडियो में एंड आपका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है और करीब हमारे बहुत जल्दी हम मतलब चैनल पर बड़ा सरप्राइज आएगा और गिव अवे बहुत जल्द करने वाला हूँ मैं। तो बने रहे चैनल के साथ एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्ट अस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका चैनल अभी भी आपको डाउट है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, तो कंफर्म है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन लग सकते हैं, यानी कि जो पहले का जो टाइम था, यानी कि आपका 15 दिन में मोनेटाइज हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है, मतलब 30 दिन के अंदर कर देगा, मतलब 25 दिन में कर देगा, 28 दिन में कर देगा। पहले भी 30 दिन का था, अभी भी 30 दिन का है, लेकिन पहले क्या था कि जल्दी जल्दी हो जाता था चैनल मोनेटाइज। मेरा फर्स्ट बार में एक ही दिन में अप्लाई, मतलब मैंने मतलब एक दिन में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन जो दूसरी बार मैंने अप्लाई किया तो उसके अंदर मेरा 23 या 24 दिन लग गए, आज 14 अप्रैल थे तो 24 दिन लग गए लगभग। हाँ तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग अस, कीप सपोर्ट अस और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्ट अस, आपका प्यार बनाए रखें।